अगले कुछ महीनों के अंदर इंडिया यूएसए के साथ एक इम्पॉर्टेंट डील साइन करने जा रहा है, जो कि फाइटर जेट इंजन्स की इंडिया में लोकल प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी। ये तो हम जानते हैं कि ये इंजन्स इंडिया के LCA मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए होंगे, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, और करंटली इंडिया और यूएसए इन इंजन्स की लोकल प्रोडक्शन के एग्रीमेंट के लिए डिस्कशंस में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग GE एरोस्पेस द्वारा टेक्नो कमर्शियल बिड को सबमिट किया जा चुका है, और इस प्रोसेस के बाद जल्द ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डिस्कशंस स्टार्ट होंगी। नव आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड नेगोशिएशंस की शुरुआत की। जून 2023 में जब PM मोदी अपनी US विजिट पर थे, उस टाइम GE एरोस्पेस और HAL के बीच फाइटर जेट इंजन्स की प्रोडक्शन के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें LCA मार्क 2 प्रोग्राम के लिए GE के F414 इंजन की लोकल प्रोडक्शन शामिल थी, जिसके बाद इंडिया और GE एरोस्पेस की डिस्कशंस स्टार्ट हुई। GE द्वारा सबमिट की गई बिड को करंटली इंडिया द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है, और अराउंड $1 बिलियन की इस डील में GE एरोस्पेस द्वारा इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉसिबली 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जा सकती है, जिसमें इंजन के हॉट एंड और क्रिस्टल ब्लेड्स की कोटिंग और लेज़र ड्रिलिंग जैसी नीशे टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड हो सकती हैं। सो GE के साथ डिस्कशंस की नेक्स्ट स्टेज काफ़ी क्रूशल होने वाली है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साइज और स्कोप को फाइनलाइज किया जाएगा। जैसे हमने बात की कि इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए HAL को चूज़ किया गया है, इसी वजह से HAL द्वारा बेंगलोर में इंजन्स फैक्ट्री के सेटअप के लिए लैंड को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और GE एरोस्पेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इस फैसिलिटी को 2 साल के अंदर ऑपरेशनलाइज करने का प्लान है। इस डील के अंडर LCA मार्क 2 के लिए 99 इंजन्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, बट इसके बाद इस ऑर्डर साइज को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की ओर से LCA मार्क 2 की कम से कम 120 यूनिट्स के ऑर्डर की उम्मीद है। LCA मार्क 1 में भी GE के ही इंजन्स यूज़ किए गए हैं, जो कि F404 वेरिएंट है। IF ने टोटल 40 LCA मार्क 1A फाइटर्स का ऑर्डर HAL को दिया था, जिसमें से 32 सिंगल सीटर फाइटर्स और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स थे। सिंगल सीटर्स की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, बट 3 ट्रेनर्स की डिलीवरी अभी पेंडिंग है। LCA मार्क 1 प्रोजेक्ट के लिए GE एरोस्पेस HAL को टोटल 75 F404 इंजन्स डिलीवर कर चुका है, और इसमें जो एक्स्ट्रा इंजन्स हैं वो प्रोटोटाइप टेस्टिंग और इमरजेंसी केसेस के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। LCA मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी HAL GE एरोस्पेस से F414 इंजन्स की 8 यूनिट्स को ऑलरेडी रिसीव कर चुका है एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके अलावा इंडिया के 5th जनरेशन MCA के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए भी GE एरोस्पेस को ही सिलेक्ट किया गया है। इंजन वेरिएंट है F414INS6। F414 इंजन को MCA के सिर्फ फर्स्ट वेरिएंट मार्क 1A में ही यूज़ किया जाएगा, जिसकी 2 स्क्वाड्रॉन्स रेस की जाएंगी। MCA के एडवांस्ड वेरिएंट के लिए ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत होगी, बट उसके लिए भी इंडिया किसी फॉरेन OEM के साथ ही कोलैबोरेट करेगा, जिसमें इंडिया के पास GE एरोस्पेस के साथ साफ्रॉन और रॉल्स रॉयस इंजन्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट फ्रेंच साफ्रॉन ग्रुप इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा। नेवी के लिए भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप किया जा रहा है, और उन फाइटर्स में भी F414 इंजन्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। सो ये था GE एरोस्पेस का इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स के साथ कनेक्शन। बट दूसरी ओर LCA मार्क 1A वेरिएंट की बात करें, जिसकी फर्स्ट यूनिट की डिलीवरी में अब कई महीनों का डिले हो चुका है, उस डिले का कारण भी GE के इंजन्स ही हैं, जिसकी डिलीवरी HAL को अभी तक नहीं हुई है। 2021 में IF ने HAL को तेजस मार्क 1A की 83 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसी साल FE404IN20 इंजन्स की 99 यूनिट्स का ऑर्डर GE एरोस्पेस को दिया गया, बट GE की तरफ से अभी तक एक सिंगल इंजन की डिलीवरी भी इंडिया को
नहीं हुई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले कई बार बात कर चुके हैं कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से है। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इंडिया को इंजन्स की डिलीवरी सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। बट ये इंजन्स डिले का इशू भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि IF की स्क्वाड्रॉन्स हर साल कम हो रही हैं, जिसको सस्टेन करने के लिए LCS की टाइमली डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रॉब्लम एक और भी है, क्योंकि 83 यूनिट्स के ऑर्डर के बाद LCA मार्क 1A के एडिशनल 97 यूनिट्स का ऑर्डर भी HAL को बहुत जल्द मिलने वाला है, जिनमें F404 इंजन्स ही यूज़ किए जाएंगे। इन 97 यूनिट्स के लिए MOD द्वारा HAL को टेंडर ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, सो पॉसिबली अगले कुछ महीनों में ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल होने वाला है। कहा जा रहा है कि LCA के इस ऑर्डर के लिए इंडिया GE के साथ इंजन्स के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुका है। बट अगर आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज़ ऐसे ही बने रहते हैं, तो इससे IF के पूरे 180 LCS की डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा इफेक्ट आगे LCA मार्क 2 पर भी दिखेगा। सो सवाल ये है कि क्या मार्क 2 और 97 मार्क 1A के लिए इंडिया को कोई और इंजन की ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए थी या नहीं, जिससे फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल डिलीवरी डिले से बचा जा सकता था।